हेलो ऑल ब्रेकर स्टॉक्स फॉर टुमारो। पहला स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास देख सकते हैं हम लोग अभी वोल्टास का वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देख सकते हैं वोल्टास ने ऊपर हाई लेवल से देख सकते हैं नीचे एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। नो डाउट अब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। 1000 का एक राउंड लेवल है यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाकर अगर वोल्टास को चेक करें देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टास ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है और अभी वोल्टास एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो हम लोग वोल्टास 1000 के ₹4 पे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। 2-3 महीने के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं। आपको 1200 से 1300 के लेवल से यहाँ पे आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। देख सकते हैं सिप्ला ने ये पर्टिकुलर लेवल पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा इसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। नो डाउट यहाँ से जहाँ से शार्प चल पाता वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है। 1285 ये एक लेवल है, ब्रेकआउट का लेवल है सिप्ला के लिए। यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। ₹6 का स्टॉप लॉस, ₹12 से ₹15 का टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक है JSL जिंदल स्टेनलेस। देख सकते हैं जिंदल स्टेनलेस ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे टाइम पास करने के बाद देख सकते हैं एक ऊपर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। अभी नो डाउट यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। 598 या फिर राउंड फिगर मान लीजिए कि 600 का एक लेवल है, ब्रेकआउट का लेवल है। बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आप लोग ऑलमोस्ट 675 तक यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक देख देते हैं फार्मा सेक्टर का, ग्लैंड फार्मा। देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे भी रेंज में था, यहाँ पे भी रेंज में था। देख सकते हैं अभी भी एक अच्छे खासे रेंज में ये है। देख सकते हैं नो डाउट यहाँ पे एक पैटर्न है। तो नो डाउट अगर ये कल 2000 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर नो डाउट आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2200 या फिर 2250 ये लेवल पे देखने के लिए मिल सकता है। तो नो डाउट आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो, होल्ड भी करके रख सकते हो। थैंक यू।